वो जो हमारा असम का मुख्यमंत्री है ना हिमंत बिस्व शर्मा जी, उनको बड़ा नेता मत बनाइए। वो सनक के बने के कुछ नहीं है, बड़ा नेता मत बनाइए, उसका बात पर ध्यान मत दीजिए। उनका अगर उनका पक्ष कुछ है तो पैसा है। जिस नेता ने असम में जो बांटने का राजनीति किया है, हिंदू मुसलमान का जो सांप्रदायिक राजनीति किया है, उन्होंने यहाँ आके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को विरुद्ध करने का कोई मॉरल हक नहीं है, उसका कोई हक नहीं है। पैसा का बगैर उसका पास कुछ नहीं है, वो सैनिक का बनने का कुछ नहीं है। बहुत कुछ बोला है, बहुत बहुत लॉलीपॉप उन्होंने लिया है, ये देगा वो देगा, ये करेंगे वो करेंगे, ये कर डाला 10,323 नौकरी देंगे, आगे बोला था ना वोट देना पड़ेगा। जिस बने के कुछ नहीं है, वो जो हमारा असम का सब लोगों ने वोट देना पड़ेगा। घुमा घुमा के उन्होंने बोला था ना, ये वादा दिया था आप लोगों को। दस जिस आप लोगों ने वो जो हमारा असम का मुख्यमंत्री है ना हिमंत बिस्व शर्मा जी, उनको बड़ा नेता मत बनाइए। वो सनक के बने के कुछ नहीं है। जिस नेता ने असम में जो बांटने का राजनीति किया है, हिंदू मुसलमान का जो सांप्रदायिक राजनीति किया है, उन्होंने यहाँ आके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को विरुद्ध करने का कोई मॉरल हक नहीं है, उसका कोई हक नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि उनको कभी भी आप लोगों ने बड़ा नेता मत बनाइए, उसका बात पर ध्यान मत दीजिए। उनका अगर उनका पक्ष कुछ है तो पैसा है, उस पैसा का बगैर उसका पास कुछ नहीं है, वो सनक का बनने का कुछ नहीं है। ये भूपर्दा को भी बोलिए कि उनका बात उनका नाम मत लीजिए, मुफ्त में उनका प्रसार मत चलाइए। ये ऐसा मत, हम आप नेशनल जो रिपोर्ट है रिपोर्ट देखिए, उसमें तो असम का जो पोजीशन है लास्ट में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्टेशन जितना भी है, हमारा जो जो बुजुर्ग का जो ये है, सब में असम का पोजीशन लास्ट। इसीलिए वो यहाँ गर्व करने के लिए, वो कुछ देने के लिए उसका साथ कुछ नहीं है, केवल एक ही काम कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। जो काम उन्होंने महाराष्ट्र में करने के लिए साजिश रचा था, जो काम उन्होंने करने के लिए तेलंगाना में साजिश रचा था, एक ही काम वही काम करने के लिए यहां आके वो खड़ा है। इसीलिए मैं त्रिपुरा का तमाम लोगों को मेरा अपील है, आप सब लोग एक हो जाइए अपना अपना भविष्य के लिए। सब लोगों को थानसा का जो शक्ति है ना, उनको सब लोगों को ये समझना चाहिए, सब लोग उपलब्धि करना चाहिए। इसीलिए मैं आज इस मंच में, इस जनसभा में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, 16 को जो लास्ट फाइट